थके हुए मजबूर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, जिनसे गृह डिपार्टमेंट या बिहार नहीं संभल रहा। वो लोग हर एक सवाल से बचने का काम करते हैं। बिहार के अधिकारी हों या पुलिस महकमे के अधिकारी हों, कोई फोन नहीं उठाता है, कोई जवाब नहीं देता। इन सारी चीजों को लेकर के हमने चर्चा राज्यपाल महोदय जी से की, और महामहिम का भी मानना है कि बिहार में अपराध बढ़े हैं। इसको लेकर के महामहिम भी चिंतित और परेशान नजर आए, और उन्होंने कहा है कि इंटरवेन वो करेंगे। संबंधित विभाग के जो भी अधिकारी हैं, क्यों बिहार में अपराध बढ़ रहा है, उस पर फटकार लगाने का वो काम करेंगे। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का तो इकबाल खत्म हो गया। अगर मुख्यमंत्री जी का इकबाल होता तो कहीं ना कहीं से कुछ नतीजा सामने आता, रिजल्ट सामने आता, इतनी समीक्षाएं बैठक के बाद भी। और हम लोग सब लोग जान रहे हैं कि पुलिस महकमा कौन से काम में लगा हुआ है। ट्रक वालों से वसूली, शराब बिछवाने का काम, ये तो पूर्व डीजीपी भी ने कहा, और मौजूदा डीजीपी ने तो ये भी कह दिया कि जो 16 साल से मुख्यमंत्री हैं, उनके 2019 के शासनकाल में अपराध बहुत बढ़ा था। तो इस तरह की बातें अगर सामने हम लोगों की आ रही हैं, जिसमें पूरा बिहार के लोग सहमे हुए हैं, घबराए हुए हैं, घर में रहते हुए भी डर लग रहा है उनको, क्योंकि अपराधी अब सड़कों पर तो तांडव मचा ही रहे हैं, घर में भी घुस करके जो है गोली और रेप करके जलाने का काम किया जा रहा है। और हमने पहले भी कहा है, एक महीना समय है सरकार के पास कि लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करे, नहीं तो हम अपने महागठबंधन पार्टियों के जितने हमारे MLA उनके साथ राष्ट्रपति रायसीना में हम लोग परेड करेंगे और राष्ट्रपति जी से मिलकर के इसकी शिकायत। लेकिन जब भी आप लोग कहते हैं तो नीतीश जी तो आपके 15 साल की याद दिला देते हैं, जब भी आप कानून व्यवस्था के, कोई जवाब तो है नहीं ना उनके पास। 16 साल है और अपराध बेतहाशा बढ़ी है, इस पे उनका कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं है। सरकारी आंकड़ा हो या उनके महकमे का ही आंकड़ा, पुलिस का, NCRB का छोड़िए, इनके बिहार पुलिस का ही अगर आंकड़ा देखिए, क्या स्थिति भयावह बनी हुई है। आप बताइए कितने घंटे हो गए रुपेश सिंह की हत्या किए हुए, क्या एक सुराग मिला। हम लोग बार बार कह रहे हैं, इस बात को पहले भी कहते रहे थे जब बालिका गृह मुजफ्फरपुर कांड हुआ था, कि इसमें सरकार के लोगों का इन्वॉल्वमेंट है और सरकार जो है अपराधियों को बचाने का काम कर रही है। कहीं ये तो नहीं हो रहा कि बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, इनके मंत्री से संतरी कौन लोग हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इसलिए कहीं ना कहीं सरकार बचाने का काम तो नहीं करती। हमने तो एकमात्र सवाल पूछा नीतीश कुमार जी से कि बताइए बिहार में अपराध क्यों बढ़ रहा है, कौन कर रहा है, किन कारणों से अपराध हो रहा है, इसका जवाब नहीं। हमने इसके साथ साथ जो है विधानसभा सत्र जो छोटा किया जा रहा है, इसकी भी शिकायत की। ABP News आपको रखे आगे।